हाय गाइस, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं बस वेट। गाइस, इंग्लिश को हमेशा से ही खास तौर से इंडिया में एक लैंग्वेज के रूप में कम लेकिन एक स्किल के रूप में ज्यादा जाना जाता है, कम्युनिकेशन स्किल्स। जी हाँ, कम्युनिकेशन स्किल्स इज द राइट वर्ड। कॉर्पोरेट लाइफ में कदम रखते ही या फिर कॉर्पोरेट सेक्टर में कदम रखते ही उन लोगों की वैल्यू अचानक बढ़ जाती है जिनके पास कम्युनिकेशन स्किल्स होते हैं। अगर आपके पास इंग्लिश एज अ कम्युनिकेशन स्किल्स है और आप बहुत अच्छे से इंग्लिश बोलना जानते हैं तो आप यकीन मानिए कि आपकी जॉब लगने के जो चांसेस हैं वो 30% तक बढ़ जाते हैं। इनफैक्ट कॉल सेंटर्स जैसी जॉब है जहां पर सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश की नीड है वहां पर आपके चांसेस 90% तक बढ़ जाते हैं। और सिर्फ जॉब ही नहीं, अगर आप बिजनेस भी करते हैं तो अगर आपके कुछ ऐसे क्लाइंट्स होते हैं जो सिर्फ इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो आप इंग्लिश में डील करते हैं तो वहां पर भी ये स्किल बहुत काम आता है। इंग्लिश लैंग्वेज को सीखना और बोलना दोनों ही अलग अलग बात है। इंग्लिश के रूल्स हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, आप सभी लोगों ने भी पढ़ा होगा, कहां वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, कहां वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है, ये सब हमें याद है। लेकिन दिक्कत कहां आती है? इंग्लिश बोलने की। जब भी हम इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हैं तो हम अटक जाते हैं, हम नहीं जानते कि हमें क्या बोलना है। इंग्लिश को एज अ कम्युनिकेशन स्किल अगर आप सीखना चाहते हैं तो उसके लिए जरूरी है कि आप आज से ही बोलना शुरू करें, भले ही गलत शुरू करें, क्योंकि सीखना स्टार्ट करेंगे तो वापस से वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म सीखना स्टार्ट करेंगे और वहीं से आप फिर बोर हो जाएंगे, फिर छोड़ देंगे। तो बेटर है कि आपको आज से ही बोलना सीखना है, भले ही आप गलत बोलें, लेकिन आपके सामने समस्या ये होगी कि किससे बोलें। तो गाइज आपने कई बार सुना भी होगा, अगर हम इंग्लिश मूवी देखते हैं या फिर इंग्लिश न्यूज चैनल देखते हैं तो हम इंग्लिश बोलना जल्दी सीख जाते हैं, लेकिन कई बार आपके लिए ये भी बोरिंग हो जाता है। इनफैक्ट अगर आप कोई इंग्लिश मूवी देख रहे हैं तो उनके लिए सबटाइटल अरेंज करना भी आपके लिए मुश्किल हो जाता है। मैं आपको इस वीडियो में दो ऐसी वेबसाइट में आपको बताऊंगा जो आपको इंग्लिश बोलना सीखने में यानी कि इंग्लिश स्पीकिंग में बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगी। तो चलिए देर किस बात की, मैं आपको डायरेक्टली वेबसाइट के बारे में बताता हूँ। पहली वेबसाइट है lyricstraining.com। आप मेरे पीछे स्क्रीन पे देख रहे हैं, lyricstraining.com एक ऐसी शानदार वेबसाइट है जिसमें आप इंग्लिश को एक गेम की तरह सीख सकते हैं। इस वेबसाइट पर आपको काफी सारे इंग्लिश वीडियोज मिलेंगे, इनफैक्ट आप सर्च भी कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक के हिसाब से। अगर आप कोई और लैंग्वेज सीख रहे हैं तो वो भी आप सीख सकते हैं, लेकिन हम बात यहाँ पे कर रहे हैं इंग्लिश की, क्योंकि इसका बेसिक आप पहले से जान लें, सिर्फ आपको दिक्कत आती है बोलने में। यहाँ इस वेबसाइट पर आप कोई भी वीडियो प्ले करेंगे, चाहे वो कोई सॉन्ग हो या फिर कॉन्वर्सेशन हो, आपको उस वीडियो को देखना है और ऑडियो उसका सुनना है। नीचे उस वीडियो के लिरिक्स लिखा आ रहा है, बीच बीच में आपको यहाँ पे ब्लैंक स्पेसेस मिलेंगे जिनको आपको फिल करना होता है, ठीक है। यानी कि आप बहुत केयरफुली इस वीडियो को सुनेंगे, जो भी वीडियो आपके सामने प्ले हो रहा है, जो भी एक्सेंट में वो बोल रहे हैं आप उसको सुनेंगे, देन उसके साथ साथ आपको वो जो ब्लैंक स्पेसेस हैं वो आपको फिल करने हैं अपने कीबोर्ड की हेल्प से। वीडियो चलता रहेगा, उसके साथ सिंक होते हुए आप लिखेंगे तो आपकी लिसनिंग कैपेसिटी बढ़ेगी। इनफैक्ट आप कोई सामने वाला इंग्लिश कितनी तेजी से बोल रहा है आप उसको समझेंगे, देन उसको आप बोलना भी सीखेंगे। तो ये जो दो चीजें हैं इस गेम में एक साथ होती है, इंग्लिश को सुनना और दूसरा उस पर ध्यान देना और साथ ही साथ उस वर्ड को लिखना। आप अगर सिंक करते हुए लिखते हैं तो आपको यहाँ पर पॉइंट्स भी मिलते हैं, इनफैक्ट वर्ड के हिसाब से आपकी रैंकिंग भी यहाँ पे बनती है। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम है जिसको आप खेल के इंग्लिश बहुत आसानी से सीख सकते हैं। दूसरी वेबसाइट यहाँ पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ यूग्लिश। जैसे यूट्यूब होता है यूट्यूब, ऐसे ही इंग्लिश का यहाँ पे ग्लिश दिया गया है, यूग्लिश। इंग्लिश बोलना सीखने के लिए ये वेबसाइट भी एक बहुत ही शानदार वेबसाइट है। इस वेबसाइट पर आप कोई भी टॉपिक सर्च करके उस वीडियो को ओपन कर सकते हैं, जिस एक्सेंट में आप सीखना चाहते हैं वो सुन सकते हैं, नीचे जो लिरिक्स लिखे हुए आते हैं उनको आप पढ़ सकते हैं सिंक करते हुए। और अगर कोई ऐसा वर्ड आपकी नजर में आता है जिसका मीनिंग आपको नहीं पता, आप उस पर्टिकुलर वर्ड पे क्लिक कर सकते हैं और उस पूरे वर्ड की पूरी हिस्ट्री देख सकते हैं, पूरी डिटेल देख सकते हैं, कहां से आया वर्ड, क्या मीनिंग है उसका, क्या सिनोनिम है उसका, ये सब जानकारी आपको जस्ट एक सिंगल क्लिक में मिल जाती है ना मजेदार। यकीन मानिए अगर आप पूरे दिन में आधा एक घंटा भी इन दो वेबसाइट्स में से किसी एक वेबसाइट को यूज करते हैं तो आपके कम्युनिकेशन स्किल में बहुत ज्यादा सुधार होगा। जस्ट आप इन वेबसाइट को यूज कीजिए, सुनना शुरू कीजिए, देन बोलना शुरू कीजिए, आपकी इंग्लिश दिन पे दिन और बेहतर होती जाएगी। वीडियो की इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर करें, कमेंट करें, और कमेंट करके अगर आपको ऐसी कुछ और वेबसाइट्स भी पता है तो वो भी नीचे कमेंट में शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नहीं कराया तो। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय।